Hello my dear friends, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic of Hindu Marriage Act. So last previous class थी हमारी Hindu Marriage Act की, उसमें हमने cruelty का जो concept था ground of divorce discuss कर लिया था और मैंने अपने level पर best आपको discussion करवाया है. फिर भी किसी प्रकार का कोई doubt हो तो आप मुझे जरूर बताइए और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं वो भी मुझे आप सजेस्ट कीजिए, जिससे फर्दर जो मेरे वीडियोस में मैं क्या इम्प्रूवमेंट करके ला सकती हूँ वो मैं आपसे सीख सकूँ. लास्ट जो क्लास थी उसमें एक केस रह गया था, वो केस मैं भी लिखवा देती हूँ आपको. उस टाइम मुझे माइंड में नहीं आता, ये था रीता नजवानी वर्सेज बालकृष्ण नजवानी. इसमें ये बात कही गई थी कि इफ देयर इज नो रिफ्यूज टू, इसमें था कि रिफ्यूज टू मेंटेन सेक्सुअल रिलेशनशिप इज अमाउंट टू मेंटल क्रूलिटी. ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी मेंटल क्रूलिटी से रिलेटेड है और लैंडमार्क की आप इसे बोलोगे, ये भी एक लैंडमार्क केस है. तो आज का जो हम कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आज का हमारा कंसेप्ट है डेजर्शन. डेजर्शन का कंसेप्ट आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो भी इसके रिगार्डिंग पॉइंट है, जो भी फैक्ट्स है, जो प्री में आने की चांसेस हैं या मेंस में क्या उनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी. हमने ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स में दो ग्राउंड कर लिए हैं, फर्स्ट इज एडल्ट्री, सेकंड इज क्रूल्टी. इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस डेजर्शन. डेजर्शन क्या होता है, हैव एनी आइडिया अबाउट इट? देखिए डेजर्शन क्या होता है, वाइफ को घर से निकाल देना, क्या कर देना एक तरीके से, अपनी मर्जी से वाइफ का चला जाना, तो दो प्रकार के पॉइंट्स पर बेस्ड होता है. एनिमस डेजरेंडी और एनिमस रिवर्टेंडी, दो ये पॉइंट्स होते हैं, डेजरेंडी और रिवर्टेंडी. डेजरेंडी का, एनिमस का मतलब होता है इंटेंशन. डेजरेंडी का मतलब है कि इंटेंशन, इसका मतलब होता है डेजर्ट, छोड़ के जाना. तो इसका पूरे का मीनिंग आ जाएगा इंटेंशन टू डेजर्ट. और सेकंड है पॉइंट इंटेंशन नॉट टू रिटर्न, नॉट टू रिटर्न. There are basic two points. आप desertion कब कहोगे? पहला point intention to desert. Intention to desert का मतलब है कि आपकी intention है कि आप जो है सब कुछ छोड़कर जाना चाह रहे हो. और second point है intention not to return. इसका मतलब है कि आप एक बार छोड़कर चले गए और आप वापस आना ही नहीं चाहते. मान लीजिए husband और wife के बीच में dispute arise हुआ, डिस्प्यूट अराइज हुआ, वाइफ अपने पेरेंट्स के पास चली गई, हालांकि उसकी इंटेंशन टू डेजर्ट तो बिल्कुल नहीं थी, हल्का सा मन मुटा हुआ, इंटेंशन टू डेजर्ट तो नहीं थी. ही वॉन्ट टू कम बैक, शी वॉन्ट टू कम बैक, वह वापिस आना चाहती है. अगर वो वापिस आना चाहती है तो क्या वो डेजर्शन में फॉल करेगा? इट इज नॉट डेजर्शन, ये डेजर्शन नहीं होगा. बोथ कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड. फर्स्ट कंडीशन इंटेंशन टू डेजर्ट, कि छोड़कर जाना चाहती है या छोड़ना चाहता है हस्बैंड या वाइफ जो भी है. सेकंड है इंटेंशन नॉट टू रिटर्न, कि उसकी इंटेंशन भी नहीं है वापस आकर हस्बैंड या वाइफ के साथ रहने की.
तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो वो डेजर्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद हम उसे डेजर्शन की कैटेगरी में समझ के चलेंगे। तो फर्स्ट का बी जो क्लोज है 13, फर्स्ट बी वो डेजर्शन की बात कहता है। वो कहता है कि एनी मैरिज सोलमनाइज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द मैरिज अंडर दिस एक्ट ऑन अ पिटिशन presented by either the husband or wife be dissolved by a decree of divorce on the ground that the party has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years। A party कोई भी हो सकती है, husband wife दोनों में से कोई हो सकता है। तो petitioner का मतलब है जिसने court में petition file की है उसको petitioner बोला जाएगा, whether that is wife or husband। It doesn't matter to whom we will say petitioner। Petitioner कौन होगा? Who file a petitioner? जो petition file करेगा वही petitioner है। फिर इन दोनों condition ये भी fulfill होना चाहिए, 2 years का time भी होना चाहिए। अगर 2 साल तक wife नहीं आई है या husband छोड़ के चला गया और साथ नहीं रहना चाहता तो आप desertion मानोगे। फिर file a petition, petition file करोगे। जब file हो जाएगी petition कहां पर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, ये बात माइंड में रखना। जब ये पेटिशन फाइल हो गई है उसके बाद जो है फिर वही एक प्रोसीजर फॉलो होता है जो कोर्ट्स में होता है और उसके बाद जो है सुनवाई होती है। और फिर अगर ये लगता है कि वाकई में ये डेजर्शन का जो ग्राउंड है बिल्कुल ओके है तो फिर डाइवोर्स कोर्ट ग्रांट कर देती है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ डेजर्शन। टाइप्स, फर्स्ट इज एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब जो घर छोड़कर चला गया, एक छत के नीचे नहीं रह रहे, एक्चुअल हो गया। दूसरा हो गया कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव वो होता है कि एक ही घर में है, अंडर अ रूफ, एक ही छत के नीचे है बट एज अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर की तरह रह रहे हैं, अनजान की तरह रह रहे हैं। नो रिलेशनशिप, नो कोहैबिटेशन आप बोल सकते हो, नो कोहैबिटेशन। तो इसे क्या है? कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन बोलेंगे। एक्चुअल मतलब तो जो शो हो रहा है कि छोड़ के चला ही गया, साथ रहना नहीं चाहता। कंस्ट्रक्टिव ये हम एक कंस्ट्रक्टिव कह देंगे, सिंबॉलिक कह देंगे, इस प्रकार का डेजर्शन इसे बोलेंगे। और ये जो लैंडमार्क केसेस भी कुछ है वो हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअल के लिए जो है फिर इसके साथ साथ एक ग्राउंड और भी लिख सकते हो, विदाउट रीजनेबल कॉज। Without reasonable cause, condition इसकी third condition की बिना reasonable cause के कोई गया है, हल्का सा मनमुटाव हो गया और चला गया। फिर है कि लंबे टाइम तक जो है 2 साल के टाइम तक, ये फोर्थ कंडीशन है, इसमें 2 years तक कोई रिलेशन नहीं रहा उनके बीच में, तो ये डेजर्शन की कंडीशन होगी। इसमें पहला एक लैंडमार्क केस है इसमें, लक्ष्मण वर्सेस मीना। ये एक्चुअल डेजर्शन की बात हो रही है। लक्ष्मण वर्सेस मीना का ये केस है, 1964 का केस है। इसमें क्या कहा गया था? एनिमस डेजर्शन की बात की गई थी, एनिमस डेजर्शन की बात की गई थी कि उसकी इंटेंशन है और 2 साल का टाइम भी पूरा हो चुका है तो जो है पिटीशन फाइल हो जाएगी और अलाउ किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो वापिस आना चाहती है तो फिर उसके अंदर डेजर्शन का जो है ग्राउंड वो आप साबित नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप ये मान के चलिए कि 2 साल का टाइम पीरियड भी इतना इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने साल का टाइम है, 2 साल का है और क्या इंटेंशन टू रिटर्न है तो वो डेजर्शन नहीं, इंटेंशन नॉट टू रिटर्न है तब डेजर्शन की कैटेगरी में आएगा। और विदाउट रीजनेबल कॉज होना चाहिए, बिना किसी कारण के। अगर कोई वहां से चला गया है तब। फिर एक और केस है इसमें, विपिन चंद्रा वर्सी प्रभावती। ये भी पीरियड की बात हो रही है कि 2 ईयर का टाइम पीरियड, विपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती। इसमें भी 2 ईयर प्लस में इंटेंशन दोनों चीजें होगी तब वो फाइल माना जाएगा। फिर एक मैटर ले लीजिए, मान लीजिए हस्बैंड है
उसकी एक वाइफ है, दो चाइल्ड है। अब ये अब्रॉड चला गया, दूसरे देश में चला गया स्टडी पर्पस के लिए। 3 साल तक नहीं आया। वेदर ये डेजर्शन होगा? इट इज नॉट डेजर्शन बिकॉज रीजनेबल कॉज है यहां पर कि वो पढ़ाई के पर्पस से गया है, तो यहां पर आप डेजर्शन नहीं कह सकते। इसके रिगार्डिंग केस है एक, ये उसी केस के फैक्ट्स हैं, वीना कालिया वर्सेस जितेंद्र कालिया। इसमें कोर्ट ने कहा कि अगर वाइफ की कंसेंट है तो ये डिसीजन की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन अगर वाइफ की मर्जी से ऊपर जाकर, दिल्ली हाई कोर्ट का ये केस है, कहता है कि वाइफ की मर्जी से ऊपर, वाइफ की मर्जी सुनी नहीं, वाइफ की कंसेंट ही नहीं थी और फिर वो चला जाता है, तो वो डिजेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब बात आती है कंस्ट्रक्टिव डिजेक्शन, ये जो एग्जांपल थे एक्चुअल के, अब कंस्ट्रक्टिव के रिगार्डिंग केस है। केस के नाम इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। सुरेष्ठा देवी वर्सेस ओम प्रकाश, एक ये केस है इसके रिगार्डिंग कि एक छत के नीचे वो रह रहे हैं और उनका रहना न के बराबर है, स्ट्रेंजर के बराबर है, तो डाइजेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। सावित्री पांडे वर्सेस प्रेम शंकर पांडे, कल के क्लास में मैंने आपको करवाया था क्रूल्टी के रिगार्डिंग मैंने आपको एक कंसेप्ट करवाया था कि हालांकि डाइजेशन जो है, इसमें ये बात कही गई कि हालांकि डाइजेशन का जो है किसी प्रकार से डिफाइन नहीं किया गया है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, बट फिर भी जो इंग्रेडिएंट्स हमने डिस्कस किए थे अगर वो हो जाता है तो डाइजेशन की कैटेगरी में आएगा। अगर वाइफ हस्बैंड साथ रहते हैं और उन दोनों के पीछे कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, दैट डीम्ड टू बी कंस्ट्रक्टिव डाइजेशन की, और आप मानोगे कि वो कंस्ट्रक्टिव डाइजेशन है कि छत के नीचे रहते हुए भी दोनों के बीच में किसी प्रकार का रिलेशन न होना, whether that is a cohabitation, whether that is a sexual relationship, whether the fulfillment of obligations, अगर कुछ भी वो ऐसा कुछ है ही नहीं उन दोनों के बीच में, स्ट्रेंजर की तरह रह रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव डाइजेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ये तो था हमारा कंसेप्ट डाइजेशन। इसके साथ साथ हम जो है कन्वर्जन भी कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस फिर हमारा कंप्लीट नहीं होगा अगर हम इसी स्लो तरीके से चलते रहे, तो किसी भी प्रकार से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो हमें जो है आगे अगला करना है, अगला है इसके अंदर 13 का 2। ये क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट मे ऑन अ पेटिशन प्रेजेंटेड बाय आइदर द हस्बैंड और द वाइफ डिसॉल्वड बाय अ डिग्री ऑफ डिवोर्स, कौन से ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड दैट द अदर पार्टी हैज सीज्ड टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। मान लीजिए हस्बैंड है हिंदू है, नॉर्मल सी बात है, हिंदू मैरिज एक्ट अप्लीकेबल हो रहा है तो वो हिंदू तो है ही। एक उसकी वाइफ है, इसको क्या है किसी से इसका अफेयर हो जाता है। अब वाइफ जो है उसको डाइवोर्स देती नहीं, नो डाइवोर्स, कोई डाइवोर्स नहीं है। अब ये क्या करता है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है मुस्लिम्स में, मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या एक व्यक्ति हिंदू होते हुए, पहली वाइफ के होते हुए अगर वो मुस्लिम कन्वर्ट कर जाता है तो क्या वो सेकंड मैरिज कर सकता है? यहां उसने क्या किया, सेकंड मैरिज कर ली। वेदर इट इज लीगल, अगर कोई हिंदू अपना जो है धर्म परिवर्तन करके शादी कर लेता है और अगर उसकी फर्स्ट वाइफ कंप्लेन नहीं करती, दैट डजंट मैटर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे हम धर्मेंद्र हेमामालिनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, धर्मेंद्र की फर्स्ट वाइफ होते हुए भी बिना डाइवोर्स के भी सेकंड शादी कर ली और वाइफ ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो नो इश्यू। लेकिन अगर वाइफ जो है कंप्लेन कर देती है तो क्या ये बाइगेमी बन जाएगा? यस इट इज बाइगेमी, ये बाइगेमी ही होगा, चाहे उसने अपना कन्वर्जन किया, चाहे इसने कुछ भी क्यों ना किया हो। अगर हस्बैंड कन्वर्ट कर जाता है तो वाइफ के पास एक डायवोर्स का ग्राउंड है कि अगर वो तलाक लेना चाहे तो उसे बड़ा इजीली कोर्ट से तलाक मिल जाएगा।
तो ये मैटर है सारा। अगर वाइफ कोई भी हो, चाहे वेदर हस्बैंड हो या वाइफ हो, कन्वर्ट कर गए हैं तो क्या है, डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। इसके रिगार्डिंग तो लैंडमार्क केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नोट कीजिए आप, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिखवाई देती हूं मैं आपको, सरला मुदगल और लिली थॉमस, ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें कन्वर्ट कर गया हस्बैंड सेकंड मैरिज की, कोर्ट में मैटर गया, बायगेमी का चार्ज लगा, तो कोर्ट ने कहा चाहे आप रिलीजन चेंज कर लो तो भी आपके ऊपर जो पहली जो शादी है, जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपने मैरिज की थी, उस लायबिलिटी से आप नहीं बन सकते। आपने सेकंड मैरिज की है, वो अगर आप मुस्लिम बनके की है या कैसे भी की है, लेकिन यहाँ पर बायगेमी का चार्ज आप पर लगेगा। बायगेमी के चार्ज के लिए यहाँ रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था। तो ये तो था हमारा कन्वर्जन के और डेजर्शन के रिगार्डिंग टोटल जो डिस्कशन था। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे ये भी बता दीजिए और कमेंट के थ्रू बताइए, या फिर आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को आप शेयर कीजिए, जिससे फर्दर उनको भी जो है इससे रिलेटेड जो भी नए वीडियो उनकी जानकारी मिलती रहे और उनके लिए भी काफी हेल्पफुल हो सके। और इसके साथ साथ अपनी हेल्थ का भी आप ध्यान रखिए क्योंकि मौसम का भी बदलाव हो रहा है और कोरोना भी अभी तक है, वो जल्द से खत्म नहीं हुआ है। तो कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।